कुछ लोग मरने के बाद भी मुद्दतों तक याद किए जाते हैं। नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिक रही कल्पना चावला का नाम भी ऐसे ही लोगों में शुमार है। अक्सर माना जाता है कि विज्ञान और अनुसंधान का क्षेत्र महिलाओं के लिए ठीक नहीं होता, मगर कल्पना चावला ने दुनिया के उन तमाम पैमानों को नकार दिया जो एक लड़की के लिए बनाए गए हैं। आज कल्पना चावला की जयंती है। पेश है कीर्तिशेष में हमारी ये खास रिपोर्ट। भारतीय मूल की वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जो आज भी लोगों की स्मृति में जिंदा है। 17 मार्च 1962 को हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना अपने चार भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में प्यार से उन्हें मोंटू पुकारा जाता था। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन आकाश की ऊंचाइयों को छूने की ख्वाहिशमंद कल्पना ने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले लिया। यहाँ से ग्रेजुएशन करने के बाद वो अमेरिका चली गयी और टेक्सास यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई कर अंतरिक्ष यात्री के तौर पर नासा में शामिल हुई। इसके बाद कल्पना को अपनी पहली उड़ान के लिए चुना गया और वो अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला का गौरव प्राप्त करने वाली कल्पना को इस सफल मिशन के बाद दूसरी बार उड़ान का जिम्मा सौंपा गया। दरअसल नासा ने न सिर्फ कल्पना को अपने अगले मिशन के लिए अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया, बल्कि 7 सदस्यीय मिशन टीम में उन्हें महत्वपूर्ण स्थान भी दिया गया। और इसके बाद कल्पना चावला 16 जनवरी 2000 में दूसरी बार स्पेस पर गई, लेकिन कल्पना का ये मिशन उनका आखिरी सफर साबित हुआ। 1 फरवरी 2003 का वो काला दिन भला कौन भूल पाया है। इस अंतरिक्ष मिशन में अपनी कामयाबी के झंडे लहराता STS-107 धरती से करीब 2,00,000 फीट की ऊंचाई पर था और यान की रफ्तार करीब 20,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। ये यान अगले 16 मिनट में धरती पर अमेरिका के टेक्सास शहर में उतरने वाला था और पूरी दुनिया बेसब्री से यान के धरती पर लौटने का इंतजार कर रही थी। तभी तकनीकी खराबी की वजह से स्पेस शटल धरती पर उतरने से पहले दुर्घटना का शिकार हो गया, जिसमें कल्पना चावला सहित 7 अंतरिक्ष यात्रियों की मौत हो गई। नासा के STS-107 मिशन में अंतरिक्ष यात्रियों ने 2 दिन काम किया और 80 परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किए। भारत की शान, भारत की बेटी कल्पना चावला आज भले ही हमारे बीच नहीं है, पर देश को गौरवान्वित करने वाली इस बेटी का संदेश आज हर बेटी की जुबान पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, A1 TV, जयपुर।